राधे राधे जय श्री कृष्णा मैं सीमा सिंह पड़ों को चरण स्पर छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ आज मैं आपको पापा कुशा एकादशी की एक पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आप पापा कुशा एकादशी का व्रत करते हैं पूजन करते हैं तो आपको व्रत और पूजा के साथ में व्रत कथा भी सुननी चाहिए इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है आइए अब हम पापा कुशा एकादशी की एक पुरानी कहानी सुनते हैं प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था वह बड़ा ही क्रूर निर्दयी और नास्तिक प्रवृति का था उसका काम चोरी चकारी करना लूटपाट करना निर्दोष जीव जंतुओं पशु पक्षियों को मार कर खाना था वह जुहारी शराबी और मांस मदिरा का सेवन करता था उसका पूरा जीवन गलत संगत में ही बीता था जब एक रात्रि को वह सो रहा था तो उसने देखा कि यमदूत उसे मुग्धरों से मारते हुए लेकर जा रहे हैं और नरक में डालकर उसे कठोर यातनाएं दे रहे हैं उसी क्षण उसकी नींद खुल गई वह डर गया और वह समझ गया कि उसका अंत समय आ गया है वह उसी क्षण उठा और अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया उस समय अंगीरा ऋषि अपने शिष्यों को पापा कुशा एकादशी का महात्म्य सुना रहे थे अंगीरा ऋषि अपने शिष्यों को सुना रहे थे कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है अगर अच्छे कर्म करता है तो उसे उनका अच्छा फल और बुरे कर्म करता है तो उन्हें बुरे फल भोगने ही पड़ते हैं मनुष्य को अपने प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं बिना प्रारब्ध भुगते मनुष्य की मुक्ति संभव नहीं है वे अपने शिष्यों को मनुष्य के कर्मों के फल को बता रहे थे वे बता रहे थे कि अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे इसी जन्म में उनका फल भोगना पड़ता है लेकिन अगर पाप कर्म जाता है तो उन्हें अगले जन्म में भी इनको भोगना पड़ता है जब क्रोधन ने देखा कि अंगीरा ऋषि अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे हैं तब वह भी पेड़ के नीचे बैठकर अंगीरा ऋषि के प्रवचन को सुनने लगा अंगीरा ऋषि अपने शिष्यों से कह रहे थे कि यमलोक में पुष्पोद्य का नाम की नदी बहती है इसके किनारे छायादार वृक्ष लगे हुए हैं यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा कई बार यहाँ विश्राम करती है पितरों द्वारा दिया गया तर्पण पिंड दान आत्माएं यहीं प्राप्त करती है हे शिष्यों गरुड़ पुराण में इस बात को कहा गया है कि यम मार्ग में सोलह नगरी हैं यहाँ आत्माएं अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगती है यमराज के दूत मृत मनुष्यों को मुग्धरों से मारते हुए यमपुरी में लेकर जाते हैं फिर उन्हें धर्मराज जी के पास ले जाया जाता है तब चित्रगुप्त जी उस मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है स्वर्ग लोक में जाने वाली आत्माओं को तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाकर स्वागत किया जाता है स्वर्ग में सभी एक समान दिखाई देते हैं वहाँ जाने पर किसी को न ठंड लगती है न गर्मी लगती है न भूख लगती है और न ही प्यास सताती है और न ही उन्हें कोई शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती है न ही उन्हें कोई दुख सताता है यमराज का काम मृत्यु का हरण करना होता है और जिन मनुष्यों ने अपने जीवन काल में बुरे कर्म किए हैं उन्हें यमराज नरक में कठोर दंड की सजा सुनाते हैं यमराज का दूसरा नाम ही धर्मराज है धार्मिक मान्यता के अनुसार जो पुण्य कर्म करते हैं धर्म का सम्मान करते हैं अतिथियों का आदर करते हैं अपने पितरों और पूर्वजों का आदर सम्मान करते हैं तर्पण पिंड दान श्राद्ध कर्म करते हैं चोरी नहीं करते किसी के दिल को नहीं दुखाते वे मरने के बाद स्वर्ग के अधिकारी होते हैं अंगीरा ऋषि अपने शिष्यों से आगे बोले कि मृत्यु से पहले अर्थात छह महीने पहले व्यक्ति की नाक मुंह जीप पत्थर की तरह कड़क हो जाती है व्यक्ति चांद और सूरज की रोशनी देखने में असमर्थ हो जाता है उसे हर समय आग का भ्रम सताता है वेद कहते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है मृत्यु अवश्य होगी चाहे वह मिट्टी रूप मनुष्य हो प्रकाश रूप देवता हो अग्नि रूप भ्रम राक्षस हो सबको मरना पड़ता है जैसे ब्रह्मा सृष्टि करता है विष्णु पालन करता है शिव संघार करता है वे सभी के स्वामी हैं जो लोग अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं उन्हें नीचे दिखाते हैं उन्हें घर से निकाल देते हैं उन पापियों को नरक में गरम तेल के कड़ाह में डाल के पकाया जाता है जो लोग अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार कर खाते हैं उन्हें नरक में आरे से चीरा जाता है गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य मरते समय मृत्यु की सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती उन्हें मरते समय कष्ट नहीं उठाना पड़ता गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति के शरीर में से अंगूठे के बराबर के आकार की जीवात्मा निकलती हैं, जिसे यमदूत पकड़कर अपने साथ यमलोक में ले जाते मृत्यु के बाद का सत्य मरने के बाद आत्मा तेरह दिन तक घर में रहती है तेरह दिन तक आत्मा घर में रहना चाहती है लेकिन यमदूत आत्मा को पकड़ कर रखते हैं जब मृतक व्यक्ति की संतान पिंड दान कर देती है तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है उसे मुक्ति मिल जाती है और आत्मा घर से चली जाती है स्वर्ग में करोड़ देवी देवता होते हैं, हैं, स्वर्ग में अच्छी आत्माएं जाती है। नरक में बुरी आत्माएं है जाती हैं। मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है मनुष्य को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह उसके कर्म निर्धारित करते हैं तीन मार्ग होते हैं अर्ची मार्ग धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग अर्ची मार्ग ब्रह्म लोक व देव लोक की यात्रा के लिए होता है धूम मार्ग लोक की यात्रा के लिए होता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है गरुड़ पुराण के अनुसार 36 प्रकार के नरक होते हैं मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका दोबारा जन्म 40 दिन के बाद होता है मनुष्य की मृत्यु के बाद परिवार वालों को गरुड़ पुराण सुनना चाहिए इससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है मुक्ति का मार्ग उसके लिए प्रशस्त होता है ताकि वह मृतक मनुष्य दुःख संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सदगति को प्राप्त हो सके और उसे पुनः मनुष्य योनि मिले गरुड़ पुराण सुनने से मृतक मनुष्य को प्रेत योनि में नहीं भटकना पड़ता जिस मनुष्य की मृत्यु एकादशी के दिन हो उसे सीधा स्वर्ग मिलता है इस प्रकार कहकर अंगीरा ऋषि शांत हो गए तब सभी शिष्यों ने अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया और वे अपने कार्य में लग गए तब अंगीरा ऋषि के प्रवचन को सुनने के बाद क्रोधन अंदर तक हिल गया वह बुरी तरह कांपने लगा और अंगीरा ऋषि के चरणों में गिरकर करुण रुदन करने लगा और वह बोला कि हे महर्षि मैंने पूरी उम्र पाप कर्म किए हैं कभी कोई धर्म का काम नहीं किया हमेशा बुरे कर्मों में ही मैं लीन रहा हूँ हे ऋषिवर आज मैंने आपके प्रवचन सुने तो मैं पूरी तरह डर चुका हूँ कल रात्रि को भी मुझे कुछ इसी प्रकार का स्वप्न आया था हे ऋषिवर आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि मुझे मुक्ति मिल जाए और मेरे जीवन भर के पाप धुल जाए ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगा अंगीरा ऋषि को उसके ऊपर दया आ गई अंगीरा ऋषि को उसकी सत्यता पर प्रसन्नता हुई अंगीरा ऋषि ने कहा कि हे वस तूने मेरे सामने सभी सच सच कहा है इससे मुझे प्रसन्नता हुई तूने अपने जीवन में घोर पाप किया है लेकिन मैं तुझे एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसके करने से तेरे जीवन भर के सभी पाप धुल जाएंगे और तू मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होगा हे वस्त तू आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापा कुशा एकादशी का व्रत निर्जला रह कर कर तो तेरे सारे पाप कर्म धुल जाएंगे तब क्रोधन ने अंगीरा ऋषि से पापा कुशा एकादशी के व्रत की पूरी विधि पूछी तब अंगीरा ऋषि ने क्रोधन से कहा कि हे वस आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुशा एकादशी है इसका व्रत करने से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं इस एकादशी का व्रत करने से मनवांचित फल की प्राप्ति होती है हे वस जो फल कठिन तपस्याओं को करने से प्राप्त होता है वही फल इस एकादशी के दिन शीर्ष सागर में नाग की शैया पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है जो मनुष्य शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है उसे कभी यम यातना नहीं देखनी पड़ती जो पापी मनुष्य अनायासी पापा कुशा एकादशी का व्रत कर लेते हैं उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं वे दोनों ही नरक के अधिकारी होते हैं एक हजार अश्व यज्ञ और सौ राजसूय यज्ञ का फल मात्र इस पापा कुशा एकादशी के व्रत के फल के सोलहवें हिस्से के बराबर भी नहीं है ये वर्ष इस पापा कुशा एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है एकादशी के समान विश्व में ऐसी कोई पवित्र तिथि भी नहीं है इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर सुंदर स्त्री धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग का वास मिलता है जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके पक्ष के दस पुरुष पक्ष के दस पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं अंगीरा ऋषि क्रोधन से आगे बोले कि हे वस जो मनुष्य पापाकुशा एकादशी के दिन भूमि गाय अन्न जल उपनाहा वस्त्र छत्र का दान करते हैं उन्हें मरते समय कभी यमराज का भय नहीं सताता मरते समय उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते अगर कोई दरिद्री मनुष्य भी यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार इस एकादशी के दिन गरीबों को योग्य पंडितों को जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र रुपया दान में देते हैं और अगर कोई सामर्थ्यवान है तो उसे तालाब बगीचा धर्मशाला प्याऊ अपने जीवन काल में अवश्य बनाना चाहिए जो मनुष्य ऐसा करता है उन्हें यम के दुख नहीं देखने पड़ते ऐसे मनुष्य इस लोक में समस्त सुखों को भोगते हैं दीर्घायु तेजस्वी आज्ञाकारी पुत्र पोत्र होते हैं वे धन धान्य से पूर्ण होकर इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को पाते हैं अंगीरा ऋषि आगे बोले कि हे वस, जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है उन्हें दुर्गति भोगनी ही पड़ती है अंगीरा ऋषि आगे बोले कि हे वस यह मैंने तुम्हें पापा एकादशी का संपूर्ण महात्म्य सुनाया तब क्रोधन ने अंगीरा ऋषि से पापा कुशा एकादशी की व्रत की पूरी विधि भी पूछी और उसके बाद क्रोधन ने मुनि को प्रणाम किया और घर आया घर आने के बाद उसने पापा कुशा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के अनुसार किया पापाकुषा एकादशी के व्रत के प्रताप से वह बहेलिया सभी पाप कर्मों से छूट गया और मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुआ इस एकादशी का सार है कि व्यक्ति को अपने पापों से बचना चाहिए भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक होता है किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों और पापों का नाश करने वाला होता है एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य सभी पाप कर्मों से छूट कर मरने के बाद विष्णु लोक को पाता है इस प्रकार आज मैंने आपको पापाकुशा एकादशी का महात्म है और एक पौराणिक कहानी सुनाई आशा करती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद